ये स्कर्ट, उसके साथ मैं ये पहनूंगी, साथ में ब्लैक शर्ट है, ब्लैक शर्ट ही सूट करती है स्कर्ट्स पे, और ये मेरा श्रग है जो मैं ऊपर से पहनूंगी, रॉ दुपट्टा भी। सो दिस इज़ माई गेटअप। इसके साथ मैं करूँगी कुछ पिंकी पीच सा, इसके साथ ये मैं पिंकी पीच से लिपस्टिक्स लगाने वाली हूँ। इन तीनों को मैं मर्ज करके लगाऊंगी, और मैं हमेशा ऐसे ही मेकअप करती हूँ। और साथ में जो है वो मेरी क्रायलॉन की स्टिक है, और बर्जूस की जो है वो मैं फाउंडेशन लगाती हूँ, कंसीलर में लगाती हूँ, मिस रोज़ का ब्यूटी ब्लेंडर से मैं ब्लेंड करती हूँ, और साथ में लेंस लगाने का दिल नहीं चाह रहा क्योंकि ग्लासेस मैं वेयर करूँगी, और ये मैं लगाती हूँ अपनी आईज पे, थोड़ा सा आईज शाइन करती हुई नजर आए। तो दिस इज़ माय फुल गेटअप, और अब मैं तैयार होने के बाद मिलती हूँ अपनी फैमिली से। तो लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और मेरी प्यारी प्यारी फातिमा की फैमिली जो है वो मुझे देखेगी, मुझे बहुत खुशी होगी। सो आज हम जा रहे हैं एक न्यू डेस्टिनेशन पे, और मेरे साथ रहना है और एंड तक व्लॉग देखना है। जा रहे हैं अभी खाने के लिए, और आज के डे की जो आउटिंग है वो हमारी शुरू हो चुकी है। सो माई गाइज, माई पीपल्स, दुबई आई हम लोग यहाँ हैं, और फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग यहाँ का नज़ारा चेक करें, व्यू चेक करें, इतना ज़बरदस्त ग्रेट एम्बियंस है यहाँ, और यहाँ शॉप्स भी हैं कुछ खाने पीने की, और साथ में ही दुबई मरीना है, सारी यहाँ क्रूज शिप्स हैं, और साथ में ही दुबई आई है। और आप यहाँ जब जाएंगे तो इसका टिकट अभी हमने मालूम नहीं किया, वो मैं पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दूंगी इसके बारे में। और इसका जो पूरा सर्कल, इसका जो चक्कर होगा वो तकरीबन 45 मिनट्स का होगा, और अभी हम जा रहे हैं फर्दर इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। तो जो भी यहाँ आए विजिट के लिए, चाहे वो टूरिस्ट हो या लोकल हो, ज़रूर दुबई आई को आप जो है एक्सप्लोर करें, देखें, बिकॉज इससे तकरीबन पूरा दुबई जो है वो दिखेगा। सो अगर ये मॉर्निंग में होता तो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेटर होता, लेकिन रात में भी इसका जो अपना एक अलग जो है वो एक अलग नज़ारा है। सो हमारे साथ रहें और लास्ट तक देखते रहिएगा, इट्स शपथ जाएगी। सो भाइयों, मज़ा ही अलग है यार, आप चेक करें बस क्या खूबसूरती है सर्कल की। दिस इज़ दुबई आई, दुबई एन मीन्स, आप इसके जो ये आपको ये लिफ्ट्स दिख रही होंगी, ये केबिन्स, आप इस केबिन्स पे बैठे हैं और आप पूरा दुबई देख सकते हैं इसको, इसमें बैठकर। तो ये एक बहुत मज़े की और एडवेंचरस चीज़ बनाई है। तो हमने कहा कि हमारा सेकेंड डे ट्रिप जो है वो ज़रूर ऐसा होना चाहिए जो कम लोगों ने देखा हो। सो अब देखें, हम जाते हैं, इसका टिकट वगैरह मालूम करते हैं, और 45 मिनट्स का एक सर्कल है, काफ़ी स्लो स्लो लग रहा है यहाँ से, तो ये मूव कर रहा है, और अब हम जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि कितना खूबसूरती है इसमें और क्या इसका एडवेंचर है। तो साथ रहना है, और शफक्स डायरी को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, ताकि दुनिया आप मेरे साथ घूमें। मेरे हस्बैंड और मुझे एक्सप्लोर करने का न्यू चीज़ें बहुत ज़्यादा शौक़ है, और इंशाल्लाह हमारा ये वादा है कि सो द गाइज, हम अंदर आ चुके हैं टिकट के लिए, और समीर बात कर रहे हैं इसका टिकट क्या है, फर्दर आपको दिखाते हैं, साथ रहिएगा, स्टे ट्यून्ड ऑन शफक्स डायरी, और आप चेक करें अब हम फर्दर क्या और प्रोसीजर्स करते हैं इस चीज़ के लिए, और आपको फिर इट इज एन दुबई, वेलकम टू एन दुबई। अच्छा जी, ये जो है यहाँ कैमराज लगाए हुए हैं, और यहाँ इस प्लेस पे लोग चेयरअप करने के लिए जो है वो पिक्चर्स ले रहे हैं सबकी,
सो हमारी भी पिक्चर ली, अगर आप उसको बाय करना चाहें तो कर सकते हैं। सो बहुत मज़ा आया, ये भी एक अच्छा एडवेंचर था। ये पूरा एक स्टेज टाइप का बनाया हुआ है इन्होंने इस तरीके से, और ये कैमराज हैं। सो आप यहाँ अपनी पिक्चर खिंचवाएं और मेमोरी अपनी जो है अपने साथ रखें। अब हम यहाँ जो है वो लाइन में लगे हुए हैं और हम वेट कर रहे हैं अपनी लाइन का, अपनी जो है वो टर्न का वेट कर। इस तरीके से पिक्चर्स ली जा रही हैं यहाँ। और सो द गाइस, ये हमारी टर्न आने वाली है और इतने लोग हैं, इनका केबिन मतलब हमारा केबिन आने वाला है। और ये देखें, ओहो, बहुत मज़ेदार एडवेंचर होने वाला। और ये नीचे से इतने छोटे लग रहे थे बट बहुत ज़्यादा बिग हैं ये साइज़ में, केबिन्स, कैप्सूल। और कितने मेंबर्स हैं, डोर क्लोज हो रहा है और इस पे से चलते हुए, बेल्ट के ऊपर से चलते हुए हम लोग यहाँ आए हैं और हम बैठ चुके हैं। और ये रुकता नहीं है, ये सर्कुलर चलता रहता है, आपको चलते हुए पे से ही बैठना है। सो Look at this. This is Andubai. Means ये roll up होता रहेगा, ये इस तरीके से चलता रहेगा और आपको यहाँ से जो है खुद ही बैठना है, वरना अगर आपका निकल गया ये आप बैठ नहीं पाए तो फिर आपको सेकंड में बैठना होगा। और ये रुकेगा नहीं। और इनको देखें, इनका हर जगह अपनी नम नम पीनी होती है। हम अब आसमान को छूने वाले हैं और आप लोग भी हमारे साथ रहिए। हम कितनी ऊंचाई पे हैं इससे अंदाजा हो सकता है, और ये इसकी स्पीड बहुत स्लो है, बहुत ज्यादा स्लो, बिल्कुल आराम आराम से चल रही है ये। और ये सब इसका जो है वो सामने का नज़ारा है, इतना हसीन नज़ारा, पूरा दुबई नज़र आ रहा है। जब हम इसको बिल्कुल टॉप पे पहुंच जाएंगे तो और फिर इसका मज़ेदार नज़ारा पता चलेगा। तो जो जो टूरिस्ट जो हैं वो आए हुए हैं तो ज़रूर अल एन एन दुबई को विज़िट करें। हाँ जी, आपको मज़ा आ रहा है, कैसा लगा आपको एन दुबई बताइए। बहुत अच्छा भाई, समीर ने पास कर दिया। और मैंने ही ज़िद की थी कि मुझे यहाँ जाना है, क्योंकि हम बुर्ज खलीफा वगैरह सब देख चुके थे अपना 2017 के हनीमून पे, तो मरीना दुबई भी देख चुके थे, क्रूज शिप भी देख चुके थे। तो हम अब ये था कि चलो एक एक्सपो हमारे लिए एक न्यू एडवेंचर था, उसके बाद एक ये हमारे पास एक दुबई एंड दुबई, ये हमारे पास एक न्यू एडवेंचर था। तो ये के पास हो गए हैं हम, और इसके टिकट हैं अडल्ट 130 दिरहम, और जो बच्चे हैं वो ब्लो 3 जो हैं वो फ्री हैं, अंडर 3 जो हैं। सो देखिए दुबई। हम तकरीबन ये इस सामने वाली बिल्डिंग से हम लोग मेजर कर सकते हैं कि हम इतना ज्यादा हाइट पे हैं इस वक्त। एरिया है ये पाम,
ये अटलांटिस है जिसको मैंने फोकस किया है। यहाँ भी हम जा चुके हैं और ये पाम जुमेरा पूरा, और यहाँ बुर्ज खलीफा भी है लेकिन बुर्ज खलीफा बहुत दूर से नज़र आ रहा है। और ये हाइट आप चेक कर सकते हैं ये कितनी हाइट पे, और ये जो केबिन है ये वाला केबिन जो ये बिल्कुल टॉप पे पहुँच चुका है, तो बस ये राउंड होगा पूरा और एक सर्कल ख़त्म हो जाएगा, तो ये बस इतना ही है। लेकिन ये के बहुत मज़ेदार और बहुत अच्छा एक न्यू एडवेंचर है, जो भी दुबई आए हैं तो ज़रूर इसको ट्राई करें। सो मुझे तो लग रहा है जैसे डर लग रहा है मुझे तो अपना, अगर ये फ्लोर जो है ये अगर ग्लास का होता ना तो ज़्यादा और अच्छा पता चलता हमें कि नीचे का लुक नज़र आता हमें, तो ये फ्लोर जो है ना वो ग्लास का होना चाहिए था। सो ये बिल्कुल टॉप है और अब हम टॉप पे आने वाले हैं। ये सो एंड हुआ हमारा सफ़र, और ये दुबई होल्डिंग और किंग की पिक्चर बनी हुई थी और हम यहाँ नीचे आ चुके हैं। सो दिस इज़ द केबिन, बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था हमारा, खूब पिक्चर्स लीं और हमने साथ साथ बहुत इन्जॉय किया और दुनिया को देखा, और अब यहाँ एंड हो चुका है। सो बस अब हम निकल रहे हैं, बहुत मज़ा आया हमें, बहुत मज़ा आया, आज का दिन भी हमारा बहुत अच्छा गुजरा। व्लॉग को देखिएगा, सब्सक्राइब करना है, चैनल लाइक करना है, ऐसी शफक की टीम बनना है, ये पूरी है हमारे, हम टीम होगी तो हमें रुकेगी नहीं, हमें ऐसे ही चलते हुए भी ही एक्सेप्ट करना होगा। और ये है, लाइट खुल चुकी है, लाइट बंद थी तो इसलिए ज़्यादा पता नहीं चल रहा था, तो सो दिस था, अब हम जा रहे हैं, तो आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। सो इट्स एन एग्जिट एरिया और यहाँ सोवेनियर्स हैं यहाँ की भी, इस प्लेस की। सो ये है, ये कितना अच्छा लग रहा है, ये ले लें, कितने का है, इसकी प्राइस क्या है, बहुत अच्छा लग रहा है, यही व्हील है तो उसकी ये रखा हुआ है, ये सारे जो है वो ये सारे ये जो है थोड़ा सा रॉयल सोवेनियर सारे रखे हुए हैं बेसिकली दुबई। एंड बहुत मज़ा, अच्छा जी ये है इसका स्टार्टिंग पॉइंट, यहीं से हम इंटर हुए थे, यहीं से हम एग्ज़िट हो रहे हैं, और ये इनका इतना अच्छा इन्होंने अराइवल बनाया हुआ है इसका, यहाँ शॉपिंग मार्ट्स हैं सारी और जितने भी खाने पीने की जगह हैं आउटलेट्स हैं वो हैं सारे, ब्रांडेड शॉप्स हैं, शॉप कर सकते हैं आप, और जो है क्या नाम है जो भी आपको ख़रीदना है कुछ खाना पीना है, और ये इसका लुक है। सो बस अब हम जा, क्या हाल है जी, दुनिया ही अलग है भैया, दुनिया ही अलग है, इतना ज़्यादा खूबसूरती है यहाँ, इतना सफाई सुथराई और स्क्रीन्स, हर जगह स्क्रीन्स, लाइट्स, और माशाल्लाह इतना अच्छा लगता है, एक तो ये कि लगता है कि ये शहर कभी सोता नहीं है, इतने लोग हर वक्त जाना आना, कभी फिलिपीनीज वगैरह ये सब टैक्सियाँ खड़ी हुई हैं, कभी आपको ये फील नहीं होता कि आप अलोन हैं, और इतना कोई खूबसूरत ये इलाका बनाया हुआ है, क्योंकि बेसिकली ये इलाका जो है ये जो पोश एरियाज होते हैं उसमें से ये आता है, और जो दुबई आई है वो भी इसी जगह पे है, तो इसको बहुत ज़्यादा टूरिस्ट के लिए बहुत ज़्यादा खूबसूरत सा बनाया हुआ है। वैसे तो पूरा दुबई खूबसूरत है और बहुत लाइटनिंग वाला है, लेकिन बेसिकली इस जगह को बहुत ही प्यारा और हसीन बनाया हुआ है, ऐसे में दिखेगा नहीं, मैं बैक साइड कैमरा करके दिखाती हूँ। सो बहुत मज़े का हमारा ट्रिप रहा आज का दिन भी, आई होप आप लोगों को पसंद आएगा जब आप लोग देखेंगे, और काफ़ी एक्सपेंस भी हमारा यहाँ हुआ है क्योंकि टिकट के साथ साथ टैक्सी में आना पड़ा, और आप पैदल नहीं आ सकते हैं, मेट्रो में अगर आप आ रहे हैं, अगर आपकी अपनी कन्वेंस है तो सब सही है, आप अपनी कन्वेंस में आराम से आ सकते हैं, यहाँ अंडरग्राउंड पार्किंग है, लेकिन ये है कि अगर आप विजिटर हैं तो ज़ाहिर आपको या तो मेट्रो में आएंगे तो टैक्सी में आएंगे तो टैक्सी भी यहाँ 100 दिरहम से कम नहीं लेगी, और मेट्रो में आएंगे तो वो हमें थोड़ा सा सूटेबल पड़ा। तो बस ये था आज की जर्नी, आई होप आपको पसंद आई होगी।